हमें बताइए कि हरम के भाई खाते को कैसे देखते हैं। बेगम साहिबा, हरम में हर बेगम और बांदी को उसके ओहदे और रुतबे के हिसाब से हर महीने एक तय शुदा रकम दी जाती है। अगर इसके अलावा और रकम की जरूरत पड़े तो लिख पढ़कर ही दी जाती है। ये रही बांदी और बेगमात की फहरिस्त, इसमें उनके नाम और ओहदे के हिसाब से खर्चा लिखा गया है। ये ऊपर से नीचे तक उनके ओहदे के हिसाब से है। आपको हरम के दूसरे खर्चों का भी हिसाब रखना होगा, कितना खर्चा चाहिए, कितना खर्चा करना है, इस सब की आपको निगरानी करनी होगी। हे अम्बे माँ, जितना हमने सोचा ये तो उससे भी कठिन और जटिल है। तो आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। बेगम साहिबा, नफीसा ने हमारे लिए मुल्तान से आया हुआ रेशम रख लिया है और वो हमें देने से इनकार कर रही है। नहीं हुजूर, वो रेशम हमारे लिए ही आया था, मगर मीर सामान से इन्होंने ले लिया। बेगम साहिबा, हमें इस महीने थोड़ी ज्यादा रकम चाहिए, हमें अपनी बांदियों को बख्शीश देनी है। सुधा आपसे मिलने। शांत रहो ना मोती, पहले मेरी समस्या तो सुन ले। तो क्या कह रही थी, आपकी रेशम आपका था? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। आइए बेगम साहिबा, हमें मालूम था कि आप जरूर आएंगी। सलाम, आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? आपके कदमों की आवाज से। वाह, तो अब आपने ये हुनर भी सीख लिया। ये बताइए, जब आपके पास वक्त था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तो हमारे पास ना कोई काम है और ना कोई जिम्मेदारी। वो तो है। खैर, हम कल रात से एक बात सोच रहे थे कि आपने जोधा बेगम की तायद की क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया, और अब हमें समझ में आ गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो बताइए क्या वजह थी? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास वक्त हो सके और जोधा बेगम को काम से फुर्सत ही ना मिले, है ना? हमें बुरा लगा जलाल, ये जानकर कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते। हमने तो अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश की और हमने सोचा कि जब सब चाहते हैं कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभाले तो उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हमने तो आपकी बात मानकर बेगम खास के ओहदे को बरकरार रखा, अपना दिल बड़ा किया, और आप हमारे बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने हमारी बात मानी। वही तो, आपको लगता है कि हम जिद्दी हैं, हम आपकी बात कभी नहीं मानते, लेकिन हकीकत यह है जलाल कि हम आपकी बात को कभी नहीं डाल सकते। हमारी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहमियत किसी की नहीं है जलाल, ना बेगम खास के ओहदे की, ना उस ओहदेदार की ताकत की। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप हमें सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। आप हमारे लिए वक्त निकालना चाहती हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए रुकिए बेगम, आपके पास वक्त है, आप जिम्मेदारियों से आजाद हैं, लेकिन हमें अब भी सल्तनत को संभालना है। नहीं जलाल, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारे लिए वक्त निकालना ही होगा। जलाल, आप अपनी बेगम खास के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, कल जश्न के बाद हम आपके लिए वक्त निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। पहले हम चौगान खेलेंगे और उसके बाद शिकार पर जाएंगे। बहुत अरसा हो गया आपके साथ शिकार पर गए हुए। ख्याल नेक। सच जलाल, हमें आपके करीब आकर बहुत अच्छा लगा। बताइए कैसे हमारी याद आई आपको? हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं शहंशाह, आप हमसे कक्ष में मिलने आए थे परंतु हम कार्य में व्यस्त थे, मोती भाई ने हमें बताया, और आपने भी उसे चुप रहने का संकेत क्यों दिया? बताना चाहिए था ना कि आप हमसे मिलने आए हैं। हमने सोचा आपको बता दें, लेकिन फिर देखा कि आप इतने मशरूफ हैं कि हमारे लिए क्या आकर फरिश्ते भी आएंगे तो भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी जोधा बेगम। ऐसा नहीं है, आज कार्य का पहला दिन था ना,
प्रारंभ में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हो ही गए हम काम में। सच में रुकैया बेगम की प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी वर्षों से वो हरम का कार्य संभालती आ रही है, उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, हमेशा कार्य करती रही, कभी थकी नहीं। हम तो पहले दिन थक गए शंशा। अरे बस बस बस, हम तो बस मजाक कर रहे थे जोधा बेगम, और सच कहें तो बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि आप अपने काम में मशरूफ हैं। हाँ वो तो ठीक है, परंतु आप हमसे मिलने आए और हम आपसे मिल भी नहीं पाए, ये तो ठीक नहीं है ना। सच कहें तो अगर आप अपना काम छोड़कर आती तो तब शायद हमें वो बात अच्छी नहीं लगती जी। जोधा बेगम, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम को संजीदगी से नहीं करते, और हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपने काम में मशरूफ होने के बावजूद आप काफी खूबसूरत लग रही थी। दीवाने खास में आप बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां हम शहनशाह जोधा बेगम और यहाँ यहाँ हम आपके दोस्त और आपके शौहर भी हैं। फिर अपने दोस्त की बिनती ही समझ लीजिए कि अगली बार जब भी आप हमसे मिलने आए तो ऐसे चुपचाप न चले जाएं, हमसे मिलकर ही जाना। हम हर की कोशिश करेंगे जोधा बेगम, लेकिन शायद हमारा दिल इजाजत नहीं देगा कि हम आपके काम में खलल दें। क्या कहा आपने, दिल? परंतु हमें तो बताया गया था कि शहनशाह के पास हृदय है ही नहीं। जोधा बेगम, हम इस बात का बाद में फैसला करेंगे कि हमारे पास दिल है या नहीं। फिलहाल आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो बेहतर होगा जाके आप अपना काम करें। जी। हम चाहते हैं कि हरम में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। आप हरम के बाकी पदाधिकारियों से मिलिए और बातें कीजिए, यदि कोई भी समस्या है तो हमें सूचित कीजिए। और हाँ, जो काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं उसे छिड़ा ना जाए, और जहां कहीं पे भी कोताही बढ़ती जा रही है आप उसे तुरंत ठीक कीजिए। चलो यहाँ चलो। आदाब जोधा बेगम। आदाब जोधा बेगम। क्या बात है, ये रो क्यों रही है? हुजूर, इस बांदी को हरम की साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन ये काम चोरी दिखाई और आराम फरमा रही थी। जब हमने इन्हें टोका तो ये बीमारी का बहाना बनाने लगी। हुजूर, माफ कर दीजिए जोधा बेगम, मुझसे गलती हो गई, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। मुझे सजा मत दीजिएगा बेगम साहिबा। ये झूठ बोल रही है हुजूर, इसे सजा दीजिए। ये काम चोरी दिखा रही थी और काम से बचना चाहती है, अगर इसे सजा नहीं दी गई तो हरम की बाकी बांदियां भी इसी के नक्शों कदम पर चलना शुरू कर देंगी। हुजूर, रोगी को दंड की नहीं उपचार की आवश्यकता होती है, इन्हें तुरंत हकीम साहिबा के पास ले जाकर उपचार करवाइए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस बांदी को इतना सर पर मत चढ़ाइए, यहाँ रुकैया बेगम होती तो अब तक इसका बुखार ठीक हो चुका होता। अब ये हरम रुकैया बेगम नहीं संभालती है, किसी भी रोगी को विवश करके कार्य नहीं कराना चाहिए। आपसे जितना कह रहे उतना कीजिए। गुलामों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है बेगम साहब, मरने की हद तक उनसे काम कराया जाता है और उसके बाद उनकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। हरम के सभी बांदियों को एकत्रित होने को कहा जाए। वाह जोधा बेगम, बहुत खूब, आपने तो अभी से ही हरम का काम संभाल लिया। प्रणाम रुकैया बेगम। कहीं कैसे आना हुआ? बस यूं ही, ये देखने आए थे कि हरम का काम सही से चल रहा है या नहीं। अभी तो हमने सीखना प्रारंभ ही किया है रुकैया बेगम, और सच कहें आज इस एक ही दिन में आपके प्रति हमारे मन में मान सम्मान और भी बढ़ गया। कैसे संभालती थी आप हरम का इतना सारा काम, और उसके पश्चात भी आप अपने लिए समय भी निकाल लेती थी। सच में आप प्रशंसा की पात्र हैं। शुक्रिया, इसीलिए तो हमने आपके नाम की सिफारिश की थी कि जिस हरम की बद इंतजामी की दुहाई देकर आप हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, आखिर आपको भी तो पता चले कि उसे संभालना इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी वजह यह थी कि हम हरम की जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते थे और अपने जलाल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे।
पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।